Thought of gratitude. No, I understand. So you have to express your thanks to the earth, to the land, to the government, electricity, water, air you breathe, the light, the sun, the moon, the weather, the doctors, the counselors, your parents, your body, your hand, your eye. Three things. Given an opportunity, I will like to change in my life. अगर मुझे three wish मिले तो मैं अपने जीवन में क्या क्या बदलना चाहूँगा. I will like to be born in USA. I will be learned person without education. I wish I never had this disease. So आज का topic मैंने ऐसा टॉपिक चूज़ किया है कि एक घंटे में हम लोग कवर कर सकें और कुछ इससे ड्रॉ कर सकें. सो यहाँ पे जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हैं एंड उससे दो मैसेज मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, चाहे कोई डॉक्टर भी हो. एजुकेटेड डॉक्टर भी दे कैन सफ़र विद इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर. सो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले हैं. एनीबडी कैन बी. नाउ द इम्पॉर्टेंट इशू इज़ कि हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है. जैसे आपका हार्ट है, हाथ पैर हैं, आँखें हैं, ऐसे ये ब्रेन भी एक ऑर्गन है. ठीक है. और ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ऐसा ऑर्गन है जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाता है और एनिमल से डिफरेंशिएट करता है. तो आज की तारीख में आप यहाँ बैठ के, कोई जना डॉक्टर है, कोई लॉयर है, एजुकेटेड हो, यू कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. आप में नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्या हुआ, वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग कि आज हम यहाँ पे बैठ के कुछ हेल्प के लिए वी आर हेयर एंड वी वांट दैट हमारा जो लाइफ है, जो कि हमारे ब्रेन के डिसफंक्शन की वजह से अफेक्टेड है, वो बेटर हो जाए. सो वी ऑल आर हेयर फॉर सिंपल रीज़न दैट वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग इन आवर ब्रेन एंड हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर. ठीक है. सो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ डज आर ब्रेन वर्क. तो आप सब लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आर ब्रेन वर्क. सो डेफिनेटली आप सब लोग जो कह रहे हो वो ठीक है, बट जैसे अगर 100 है तो आप 1 μm ब्रेन के फंक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो. ओके. तो ब्रेन एक मतलब गूगल से बड़ा भी सुपर कंप्यूटर है एंड इट हैज़ अराउंड 1 to 3 billion प्रोसेसेस, सो न्यूरॉन्स, एंड दे ऑल कम्युनिकेट थ्रू ईच अदर. सो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैंने आप ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो आप में से कुछ लोग बोल भी रहे थे. सो ऐसा मान लेते हैं कि भाई 1, 2, 3 मेन एरिया मान लेते हैं. नाउ सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक इनपुट जाता है. इनपुट कैन बी ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स. सो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन की सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. सो देर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे सुनना, देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना और फील करना. ठीक है. ये सब इनपुट के मेथड्स हैं जिससे हमारा ब्रेन कनेक्टेड है थ्रू वायर्स, जिनको हम न्यूरॉन्स बोल रहे हैं. नाउ ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे गए ब्रेन में. दिस इज नॉट जस्ट बिहेवियर, दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग. जैसे आप लोग अभी क्या बोलोगे, ये पूरा अगर आपको प्रोसेस करना है तो आप सोचोगे,
फील करोगे, उसको एनालाइज करोगे, एक थॉट प्रोसेस को फॉर्म करोगे, किस तरह से प्रेजेंट करना है वो दिमाग में प्रोसेस होएगा, एंड देन यू विल टेक माय परमिशन, इफ आई अलाउ यू, यू विल प्रेजेंट दैट. नाउ सी, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. नाउ इफ दिस इज कॉम्प्लेक्स, इमेजिन how complex it would be for a scientist to analyze so many things, so complex formulations. Now, like for me, I am doing what? I am observing your behaviors and analyzing all that, trying to make you comfortable. See where and how I can explain your issues to you and represent that in a language which you can understand. Okay. Now, मेरा काम क्या है कि आप लोगों के बिहेवियर को, इमोशंस को ऑब्जर्व करके, अब ये सोचो कि ये प्रोसेस को मैं 30 साल से, लास्ट 30 ईयर्स से स्मूदन करने की कोशिश कर रहा हूँ. Every day, maybe 10 to 15 hours every day for 30 years. Imagine how many hours gone into it. And that's how I am processing and helping the humankind in that process. ठीक है. केवल एक भी एक चीज को, क्या? Human behavior. For last 30 years, I am trying my best कि मैं human behavior को observe करके, समझ के. So imagine मेरे sensory organs में कितने सारे processes इससे जुड़े होंगे जो over the time evolve किए और feedbacks मिले, and उस basis पे I am representing being a psychiatrist. इमेजिन मेरे जैसे हजारों लोग डिफरेंट प्रोसेस पे काम कर रहे होंगे. कोई टीचर है, कोई वीडियोग्राफर है, कोई मूवी मेकर है. ये सब एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए काम हैं. नाउ आपकी इंटरनल वर्ल्ड से भी बहुत सारे काम जुड़े हैं. किसी को छोटा सा चोट लग, दांत में दर्द अगर आप लोगों ने फील किया हो ना, बॉस इतना सीरियस होता है कि आदमी उलट पुलट हो जाए. नाउ दैट मीन्स दिस होल थिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. नाउ सी, थोड़ा सा बहुत ही मिनिमलिस्टिकली सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं. हर ब्रेन के एरिया का एक डिफरेंट फंक्शन है. नाउ जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट आया, वो आपस में कम्युनिकेट हो रहा है हजारों. ये अगर हम ब्रेन के 16 हिस्से मान लें तो देर आर 10^16 टाइम्स कम्युनिकेशन चैनल्स. ओके, एंड दिस कम्युनिकेशन हैपेंस विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. आप किसी से बात कर रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूं, आपने वो सुनना है, प्रोसेस करना है, बाय द टाइम मैं अगली चीज कह रहा हूं. इमेजिन हाउ फास्ट दिस प्रोसेस कैन बी. सो दिस इज सुपर कंप्यूटर. अगर दुनिया में कोई सुपर कंप्यूटर है तो वो केवल ह्यूमन ब्रेन. नाउ बहुत सारी बार बात होती है कि एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, एंड मुझे लगता है एआई तो केवल एक ही चीज करके मतलब खुश हो रहा है.
आपका ब्रेन तो कितनी सारी चीजें इकट्ठी कर रहा है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, क्या बोलना है, आप कैसे हिल रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या मैसेज देना है, पंखा किस स्पीड पे चल रहा है, लाइट चल रही है नहीं चल रही है, वहां से क्या आवाज आ रही है, सब चल रहा है इकट्ठा ही मेरे ब्रेन में। तो नाउ सी द कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, नाउ इमेजिन इफ दिस कम्युनिकेशन इज लिटिल स्लो, व्हाट विल हैपन? There will be chaos. Imagine, simple, red light पे खड़े हैं, लाल बत्ती थी हरी हो गई, देखा मगर ब्रेन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। पहले जैसे 486 वाले कंप्यूटर होते थे ना कि उसमें कुछ फीड कर दो, उनका 2 मिनट में रिस्पॉन्स आ रहा होता था, ऐसे ब्रेन का रिस्पॉन्स आ रहा है, तब तक वो हरी बत्ती फिर से लाल हो गई। चलो एक बार लोगों ने टॉलरेट कर लिया कि यार कुछ हो गया होगा, गाड़ी में गड़बड़ी होगी, रिपीटेडली आप यही करे जा रहे हो, फिर क्या होगा? और ये तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड चीजें बता रहा हूं। एक पेशेंट है डॉक्टर के पास और उसके पास एक्ट करने के लिए कितना टाइम है? मैं राउंड्स लेता हूं, आई सी ऑन एन एवरेज ए पेशेंट फॉर 2 to 3 मिनट्स। नाउ इमेजिन हाउ फास्ट आई नीड टू प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर मैं वो ना करूं तो मेरा आपके पास आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ। और अगर ये थोड़ा सा 0.1% स्लो होगा तो जब तक मैं कुछ कहना चाहूंगा तब तक तो वो पता नहीं दूसरी चीजें हो रही होंगी। अब देखो हम इंटॉक्सिकेटेड हैं, हमने अल्कोहल ली, हमारा ब्रेन स्लो हो गया, क्या हमें पता है कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुझे इसको जो सिंप्लीफाइड वे है ना वो समझने का कुछ ऐसा है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपकी राइट किडनी में कैंसर था और डॉक्टर को ऑपरेट करके राइट किडनी निकालनी थी आपकी, एक हफ्ते बाद आपको पता चला डॉक्टर ने राइट किडनी की जगह लेफ्ट किडनी निकाल दी, आपने डॉक्टर से जाके कहा कि सर ये क्या किया आपने, मेरी एक किडनी में तो कैंसर हो रखा है और एक किडनी आपने निकाल दी, वो कहा यार तूने मुझे बताया नहीं, अगर तू मुझे बता देता तो मैं राइट की जगह लेफ्ट निकाल देता। तो हमारा हाल कैसा हो जाता है? वी आर काइंड ऑफ इन एनेस्थीसिया। फॉर एग्जाम्पल, अब सोचो ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, बहुत सीधे सीधे प्रोसेसेस के। इमेजिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप घर से निकले, टैप में थोड़ी सा इशू था और पानी नहीं आ रहा था और आपको नहाने में 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, कपड़े पहनते पहनते 4 मिनट हो गए थे, आपकी इंपॉर्टेंट 9 बजे की मीटिंग थी और 9 बजे की मीटिंग का मतलब आपको 5 to 9 ऑफिस पहुंचना था, गाड़ी स्टार्ट करते करते 5 मिनट लेट थे, आपने सोचा रास्ते में कवर कर लूंगा, सड़क पे एक रिक्शा चल रही थी जिसने आपको रास्ता
नहीं दिया, आप उसे हॉन्ग कर रहे थे, आपने इतना हॉन्ग कर दिया कि रिक्शा वाला चिढ़ गया और वो आके बोला कि मैं तो रिक्शा चलाऊंगा ही नहीं, इधर ही खड़ा हूं। आपका मूड भी खराब था, आपने उसे गाली गलौज की और बात थोड़ी बढ़ गई और 15 मिनट लग गए। 15 तो मैं कम बता रहा हूँ, वैसे आधा लगेगा बट मान लेते हैं चलो 15 मिनट लेट हो गए। आप चले, अब आपने सोचा यार 15 मिनट कवर करने के लिए तो मुझे बहुत फास्ट गाड़ी चलानी पड़ेगी, रेड लाइट जम कर ली, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, एनीवे जम कर कर आके आप 7 मिनट पहले, 7 मिनट का सेव करके 8 मिनट लेट पहुंच गए ऑफिस। बॉस पहले से ही मीटिंग स्टार्ट कर चुका था, आप किसी तरह मीटिंग में एंटर किए डरते डराते। बाय द लंच टाइम सब कुछ क्योस हो रहा था। इमेजिन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना लाइफ में। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स जिंदगी हो गई है कि लाखों चीजें लगती हैं। एक टाइम में हम लोग जंगल में रहते थे, कुछ नहीं चाहिए होता था, जो है वही है। खाना बनाने के लिए इमेजिन रोज का मेन्यू बनता है, सुबह से शाम तक की लिस्ट बनती है, उसमें क्या क्या मसाले ये वो पता नहीं, दुनिया भर का टेंट्रम होता है। कितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है यार। थोड़ा सा नमक ज्यादा या कम होने से ही खाना खराब हो जाता है। एक दिन रात भर लाइट ही नहीं आई, जनरेटर खराब, इन्वर्टर खराब, ये खराब वो खराब, सब उड़ गया, कुछ नहीं कर सकते। सो लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड योर ब्रेन इज द थिंग विच रिक्वायर टू बी इन द सेंसेस टू कंट्रोल। मेक सेंस? नाउ ये ब्रेन आपस में कैसे कॉम्युनिकेट कर रहा है? तो देर आर सम वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, एंड उसमें कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स या केमिकल रिलीज होते हैं एंड इट्स ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। पूरा ब्रेन का क्या है मामला? इट्स ए इलेक्ट्रोकेमिकल, कुछ और नहीं है। जो हम इमोशन की बात कर रहे हैं, ब्रेन के लिए क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा केमिकल ज्यादा निकल गया तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, थोड़ा सा कम हो गया तो हम बैठ गए गड्ढे में, थोड़ा सा हेवायर हो गया तो हम क्रेजी हो गए। इमेजिन यार। एंड ये मतलब ज्यादा कम की जो बात हो रही है, आपको बताए कितने ज्यादा कम की बात हो रही है? कुछ लीटर की बात नहीं है, मतलब मैं जो ये बोल रहा हूं उसमें कुछ सलाइवा मुंह से निकल रहा होगा। इतने बड़े पार्टिकल्स की बात हो रही है। और पता कैसे चलता है कि कम है ज्यादा है? बाय डिफॉल्ट, बाय ऑब्जर्वेशन। अभी तो ये भी नहीं पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं कितने टाइप के, मोटे मोटे 3-4 पता है बस। And I'm supposed to fix them. कितना करना है? 10^-12 को घटा के 10^-13 करना है, या -12 को बढ़ा के -11 करना है? सोचो यार, जरा सा अप एंड डाउन होने से मतलब पूरा दवाई का रिएक्शन हो जाता है, काम खराब हो जाता है। आप लोग बात समझ रहे हो?
तो कितना मजेदार सा ब्रेन स्ट्रक्चर है और कितने मजेदार से ये सारे प्रोसेसेस हैं और सारा कुछ आपस में जुड़ा है, एक जगह से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होने से सब हौच पौच हो रहा है और उनको ठीक करने का मतलब है कि पता नहीं कहां पे क्या गड़बड़ हो जाए। पता चला इस जगह के इसको करेक्ट करना था और इसकी वजह से पूरा ब्रेन का साइकिल ही बिगड़ गया। वाज एग्रीइंग टू टेक मेडिसिन मगर मेडिसिन का कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा था कि कुछ इसके साथ अजीब सा ही हो रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था दवाई खाए या दवाई ना खाए। क्या कर रहा था तू बता पिछले कुछ दिनों से? ये अब तो नहीं कह रहा तू ऐसा, सोचो। और हम कितने न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज कर रहे हैं, मतलब पूरा बिहेवियर अपसाइड डाउन हो जा रहा है और आप लोगों की मेरे से दुश्मनी हो जा रही है बिकॉज मैं कह रहा हूं आप लोगों को कुछ बिहेवियर इशू है और आप कह रहे हो नहीं नहीं हम परफेक्ट हैं और तुम्हें पता नहीं है। और है कितना गेम, कितना है फ्रैक्शंस में। ओके, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया, अगर 10^-11 की जगह -10 हो गया तो क्या होगा? तो एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, नाउ विद द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी इस तरह का गेम खेलना कितना कॉम्प्लेक्स होगा। सो ये कुछ मेरा तरीका है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई थर्मामीटर भी नहीं है कि मैं चेक करके देख लूं कि कितना न्यूरोट्रांसमीटर कम है या ज्यादा है। क्या तरीका है, क्या थर्मामीटर है कि आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, मेरी सारी टीम मुझे क्या फीडबैक दे रही है। ठीक है, अब आपको कन्विंस करना है कि बॉस ये फीडबैक के हिसाब से ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें ये आउटकम बेटर करने के चांसेस हैं। अब हो सकता है मेरी टीम ने गड़बड़ दिया, आपने गड़बड़ दिया, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, ये पूरा मामला कुछ गड़बड़ा गया, आपकी फैमिली ने कुछ गलत फीडबैक दे दिया था, हो गया गड़बड़, असेसमेंट ही गड़बड़ हो गया, बाकी चीज़ें तो खुद ही हौच पौच हो जाएंगी। तो कितना कॉम्प्लेक्स था ये प्रोसेस। अब इमेजिन कैन बी प्रॉब्लम्स कैन बी एट डिफरेंट लेवल। सो हम लोगों ने वन नंबर आइडेंटिफाई किया था कि मतलब आपके परसेप्शंस में ही गड़बड़ है, देर इज ए इंफॉर्मेशन बायस्ड। सो आपको जो परसीव हो रहा था वो कुछ गड़बड़ था। इमेजिन मतलब ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, यू ऑल मस्ट लिसन टू दिस। सो मेरे पास एक, मैंने उसको ट्रीट किया, फॉर्चुनेटली बेटर हो गया। मैंने कहा आप क्या करते हो, उसने कहा जी मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता था गल्फ में। मैंने कहा अच्छा चलो आप मेरी गाड़ी चला लो, नाउ ही बिकेम माई ड्राइवर। वेरी डिसेंट गाय, वेरी लॉजिकल, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेचारा। बहुत एक प्रॉब्लम थी, हार्ड ऑफ हियरिंग था। क्या था? सुनने में ऊंचा सुनता था। अब मैं उसे कहता था कि लेफ्ट टर्न करना है तो वो सुनता नहीं था। मैं जोर की बोलता था लेफ्ट टर्न करना है तो कहता था यार आप मेरे पे चिल्लाते रहते हो, गलत बात है, आपको लगता है मैं सुनता नहीं हूं। बहुत ही क्योस था। मैं उससे कहता था भाई एक हियरिंग एड लगा ले तो कहता था जी उससे बड़ा लाउड आता है आवाज। सोचो
बेचारे को जेन्युइनली कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे दुखी करना चाहता था, बट छोटा सा परसेप्शन डिफिकल्टी से वो कितना उसकी फंक्शनिंग अफेक्टेड थी. एंड दैट वे वी ऑल कैन हैव आवर ओन बायसेस. नाउ इमेजिन अगर प्रोसेसिंग डिफेक्टिव हो, अगर स्लो या फास्ट हो जाए तो क्या होगा? टोटल केओस. इमेजिन आप लोग ना कोई किसी म्यूजियम में जाके वो पुराने पुराने जो कंप्यूटर आए थे ना वो यूज करके देखो बॉस. मतलब देखो जब तक तुम वो यूज नहीं करोगे ना, मैंने 486 यूज किया हुआ है बॉस. उस टाइम में इंटरनेट भी क्या होता था, वो 512 केपीएस, वो फोन नंबर डायल करो, फिर उसमें अपना कोड डालो, फिर वो चलता था, फिर धीमे धीमे उसमें एक ईमेल लोड होने में कुछ 5-10 मिनट लगते थे. बॉस मैं एक बार लंदन के म्यूजियम में गया और उन्होंने पहला कंप्यूटर लगाया हुआ है जो फर्स्ट कंप्यूटर था. बॉस सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट कंप्यूटर वो इतने बड़े रूम में लगा हुआ है. पहली सीटी स्कैन भी लगी हुई है लंदन के म्यूजियम में. बड़े रूम में वो सीटी स्कैन की मशीन थी और उसका इतना बड़ा सा कंसोल था, आजकल छोटा सा होता है. सो सी, अगर हमारा ब्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाए तो क्या हो जाएगा, और अगर थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाए तो क्या होगा? कुछ भी थॉट्स आएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि करना क्या है. नाउ दीज आर द काइंड ऑफ ए कॉमन काइंड ऑफ ए डिसऑर्डर्स वी डील विद. डिप्रेशन होता है, बाइपोलर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, सब्सटेंस यूज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का कुछ कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से प्रोसेसेस डिफेक्टिव हो जाते हैं. सो अधिकतर लोग कुछ बेटर हो जाते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते हैं. वी ट्राई बट देर इज नो गारंटी दैट कोई जना एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा. द मेडिसिंस आर फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स. बस मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, देनी पड़ती हैं कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है. आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गिव. सो मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को साइड इफेक्ट हो. आई एम हेल्पलेस. मुझे दिख रहा है बॉस ये न्यूरो ट्रांसमीटर का लोचा है, ये पॉसिबल 5 मेडिसिन है, इनके ये साइड इफेक्ट हैं. अगर इस ब्रेन को ठीक करने के लिए कोशिश करनी है तो ये तो देना ही पड़ेगा और ये साइड इफेक्ट इसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. कोई डॉक्टर को मजा आया साइड इफेक्ट करके? डॉक्टर तो यही चाहता है ना कि आपको मेडिसिन सूट कर जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो. आप लोग बात समझ रहे हो? बट अगर जरूरी है तो मेडिसिन देनी ही पड़ती है. सो आप बेस्ट क्या कर सकते हो? यू कैन बी ऑनेस्ट टू योर डॉक्टर, यू कैन ओपनली शेयर योर साइड इफेक्ट और योर प्रॉब्लम्स, यू कैन रेगुलरली फॉलो अप विद द डॉक्टर, गिव द इंफॉर्मेशन दैट आई एम हैविंग दीज प्रॉब्लम्स. एंड डॉक्टर आपकी बात सुन के ये कोशिश कर सकता है कि पॉसिबल लेस साइड इफेक्ट हो. बट डॉक्टर के पास कोई मतलब स्पेशल पावर नहीं है कि भगवान की तरह आपका ब्रेन चेंज कर दे. देर इज नो स्पेशल पावर. इट्स ओनली ए डॉक्टर स्ट्रगल ऑन डे टू डे बेसिस टू हेल्प यू इन ए बेस्ट पॉसिबल वे.
सो सिंप्लीफाइड है, देखो ऐसे चलते हैं कि बेसिकली हमारा ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विच इज ए बिग प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारे वेज से इंफॉर्मेशन आती है और वो प्रोसेस होके आउटपुट निकलता है। अगर उसमें थोड़ा भी कहीं गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नाउ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कम उसके बारे में डॉक्टर्स को साइंटिस्ट को भी इंफॉर्मेशन है। देर इज ए लॉट नीड टू बी डन, देर आर सम मेडिसिंस बट दे आर ऑल्सो हिट एंड ट्रायल, द डॉक्टर हैज़ टू कीप ट्राइंग विद द बेस्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। लॉट ऑफ टाइम दे हैव लेस साइड इफेक्ट, अदर टाइम दे हैव मोर साइड इफेक्ट। It's not that doctors want to create those side effects, but they have a limited option to help you. So, इसलिए side effect थोड़े से ज़्यादा होते हैं. And the more you will cooperate for your treatment, be honest about your problems, the more doctor can decipher your problems and try to help you. ठीक है, डॉक्टर कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वी कैन डिस्कस। बेटा देख, डेफिनेटली कोशिश तो ये होती है कि आपको साइड इफेक्ट, जैसे बहुत सारे साइड इफेक्ट को न्यूट्रल करने की मेडिसिंस होती हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट के लिए दूसरी मेडिसिन दे देते हैं जो कि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट ये पहले से प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता है, हिट एंड ट्रायल है। जैसे लेट्स से आप बिजनेस करते हो, आप डायमंड्स का बिजनेस करते हो, हिट एंड ट्रायल है ना कि आप 5 व्यापारियों से खरीदते हो, 10 को बेचते हो, कोई गड़बड़ करके पैसे मार लेता है, बाकी कुछ लोगों के साथ बिजनेस अच्छा रहता है, तो ओवर द टाइम डेवलप होता है। उसी तरह से मेडिसिंस का भी ओवर द टाइम आपकी बॉडी में क्या सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है उस तरह से डेवलप करना पड़ता है।